अवधि के अर्घान के दर्शकन का नमस्कार। बहुत लंबे समय से अवधि लोकगीतन का लिखे में माता प्रसाद जी के बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और खास करके अवधि साहित्य में दलित चेतना से संबंधित चीजन का रखे में माता प्रसाद जी के जब बात हुए तो यह लिए ध्यान कीजिए कि दलित चेतना का उतना शुरुआत में रखे में बहुत कम लोग प्रयास कीन हुई हैं, जौन प्रयास माता प्रसाद जी कीन है। तो हम इनसे बातचीत करब, बातचीत सुना जाए। तो पहले हमें ये बतावा जाए कि आप अवधि में लिखे के शुरुआत कैसे कीन, कौन जरूरत रही है कि आपका लाग कि हमें अवधि में लिखे का चाहिए। ऐसा है कि मेरा निवास तो मछली शहर है, जो कि अवधि का क्षेत्र है जी। वहाँ ही पैदा हुआ, वहीं से अपना पढ़ाई लिखाई की। जब पढ़ लिख कर अध्यापक हुआ तो मैं दलित समाज में पैदा हुआ, तो दलित समाज में जो आने का जाने का मौका मिला तो वहाँ पर देखा उनकी स्थिति। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू या नेताओं की सभाएं जो होती थी, उन सभाओं में अवधि के गीत गाए जाते थे, तो बहुत से लोग नेताओं का भाषण कम बल्कि वही गीत सुनने के लिए आते थे। तो मुझ पर यह प्रभाव पड़ा कि लोगों को समाज सुधार के लिए भाषण से कम प्रभाव पड़ता है, लोकगीतों का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसलिए मैंने लोकगीतों में समाज सुधार के गीत लिखने शुरू किए। उसका अच्छा प्रभाव हुआ और मैंने शुरू में दलित समाज संबंधी लोकगीत लिखा, और उसी के बाद फिर मैं विधायक हो गया तो साहित्य में आया। और मेरा एक और संग्रह यहाँ है, नहीं, लोकगीतों में वेदना विद्रोह के स्वर। इसमें जहाँ अवधि है वहाँ दूसरी भाषाओं के लोकगीतों का संकलन है। तो मुझे लोकगीत आम लोगों से, ख़ास तौर से जो पढ़ा लिखा समाज नहीं है, पढ़ा लिखा समाज के लिए तो ठीक है, मैं वो पढ़ा ले जहाँ गैर पढ़े लिखे अवधि का प्रयोग करते हैं हमारे क्षेत्र में अब भी, वहीं पर पढ़े लिखे लोग तो खैर समझते ही हैं। तो ये अवधि एक हमारे लिए बड़ी सरल भाषा मालूम हुई, और इसलिए मैंने अवधि में शुरुआत की। आप अपने गीतन का पूर्वी अवधि कहा थी, हाँ, तो पूर्वी अवधि कहे के पीछे या जो ना है वह जौनपुर इलाके में जौन अवधि है, हाँ, वका लेके अब का आपके सोचब है। ऐसा है कि मैं वैसे तो मछली शहर जो अवधि क्षेत्र में वहाँ हुआ, लेकिन जब विधायक हुआ तो मैं जौनपुर में रहने लगा। तो जौनपुर के पूरब का भाग वो जो है भोजपुरी है, पश्चिम का भाग जो है अवधि है। मैं शाहगंज से 20 साल एमएलए रहा, वो भी अवधि क्षेत्र है। तो चूँकि मैं अवधि और भोजपुरी के संगम पर रहता था, इसलिए बहुत सी भोजपुरी की बातें भी हमारी भाषा में आ गई हैं। इसलिए हमने उसको पूर्वी अवधि भोजपुरी, पूर्वी अवधि उसका नाम रखा। तो आपके गीत जो ना आप लिखिन, हाँ, कि दलित समाज में गावा गा लोगन के वह मन वह समाज के बीचे तक कितना गवा, कौने रूप में गवा? तो ऐसा है कि जो गीत लिखे अगर आप कहेंगे तो मैं उन्हें सुना भी दूंगा। अच्छा, जो पूर्वी अवधि के गीत लिखे हैं, हाँ, तो असर हमारे पर अवधि का भी पूरा है और कुछ कुछ भोजपुरी का भी असर है हमारे गीतों पर। जी जी, तो इस तरह से पूर्वी अवधि में अपने को अपनी भाषा कहता। एक मुसहर पर मैंने लिखा है। अच्छा, मुसहर जात तो आपके क्षेत्र में भी कहीं कहीं अवधि, हाँ, में भी है, पूर्वी में भी। जी, अरे नाउ मुसहरावा है कवन नाउ सहरावाना,
कैसे बीतई जिंदगी हमार, जेठ दुपहरिया में सुढ़िया चिराई करी, जेठ दुपहरिया में सुढ़िया चिराई करे बहत पसीना के धार, अरे बांगी में बांधी ले चलली लकड़ियात, आधे दाम मांगे दूत कार, नाऊ मुसहरावा कावन नाऊ सहरावान, कैसे बीतई जिंदगी हमार, राय के जगह नाही जोतई के जमीन कहाँ, कहाँ दे भाई गाँव से निसार, अरे घामा घर आवा के ना बाप एक ही मड़ैया में ससुई पतो परिवार, नाहु मुसार मेघायो मगर गो साप मूस खाई हम, मेघायो मगर गो साप मूस खाई हम, अरे करी गिलहरिया शिकार, अरे कुकुरा के साथ दाई जुठवा पतरिया, कुकुरा के साथ दाई जुठवा पतरिया, पेटवा है पपिया मरार, तनवा पर हमारे तो फटा बसनवा बा, तनवा पर हमारे तो फटा बसनवा बा, ओढ़ना के नाही दरकार, अरे जड़ावा कई राती मुरी के कुरी लगाई बीते, जड़ावा कई राती मुरी की कुरी लगाई बीत, तपत है जीवन यदार, फिर अब ढाकुलैया में पतवा मिलत नाही, अब ढाकुलैया में पतवा मिलत नाही, कैसे बनई पतरी तोहार, दूल्हा दुलहिनी के डोली लेके धावत रहे, दूल्हा दुलहिनी डोली लेके धावत रहे, वो रोजी छीनी मोटर का, अरे वो मारा ही थाने दरवा बोलाई घरवा से हमके, मारा ही थाने दरवा बोलाई घरवा से हमके, झूठे बनावे गुनहगार, जेल उस समय जेल में ये उठाऊ लैट्रिन होती थी अंग्रेजों, ये 49-50 की बात, तो मारा ही थाने दरवा बोलाई घरवा से हम झूठे बनावे गुनहगार, अरे जेलवा में मलवा उठावे मजबूर करें, जेलवा में मलवा उठावे मजबूर कर, क्यों नहीं सुनत गुहार, हाँ क्यों नहीं सुन, देशवा आजाद भय हम ही गुलमवा, तरे तो हमारे लिए न सरकार, ऐसे कौन जुगुती लगौत भैया मितई, हमारा करा बेड़ा पार, ये एक है वैसे और भी कई से कई गीत हैं, एक अगर कहिए तो एक हमारे समाज में ऐसा था, उस समय बचपन में शादी हो जाती थी, बहुत बचपन में, तो उसमें ख़ास तौर से हमारे समाज के लोग जो है कुछ जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए थे वो पढ़े, वो जो पढ़ लिख कर कुछ अध्यापक हो जाते थे, क्लर्क हो जाते थे, नौकरी तो अपढ़ औरत को छोड़ देते थे, और कोई पढ़ी लिखी मिलती थी तो उससे शादी कर लेते थे, बड़ी समस्या, हाँ तो उसी तरह की एक औरत की शिकायत है, ज़रा सुनिए, अरे सुनो सब लोग हमारा हो गुहारी, पंचायत में वो कह रही है, सुना पंच लोग हमार हो गुहरिया, गवना हमार लाए
ए नहीं सकूल भाए गावना हमार लाए, ए नहीं सकूल भाए अरे पन रह के हमारी तब रहली उमरिया। सुना पंच लोग घरवा दुआर कैली जेवना तैयार कैली, अरे कुआन से भारी हम लवली गगरिया। सुना पंच लोग गोरुवन के कोयर वाली नदिया में पानी डाली, गोरुवन के कोयर वाली नदिया में पानी डाली, अरे कौन से कौन से नीत भरी लवली गगरिया। गेहूँ बोए कुड़ावा में पूरा छीने कुआन में, अरे जड़वाई के भोरा मागे बेरावली कियरिया। सुना पंच लोग खदिया ढोआई कैली पूरा वढ़ाकाई कैली, अरे उखिया गोड़ली हम जेठ दुपहरिया। सुना पंच लोग चैती कटाई कैली बोझवाई ढोआई कैली, अरे बरधन संग हम दमलू दमरिया। सुना पंच लोग जड़हन रोपाई कैली दौरी छुपाई कैली, जड़हन रोपाई कैली दौरी छुपाई कैली, आय उठ भिन्न शर्मय धनवा कुटलियों खरिया। सुना पंच लोग हाँ जात पीसे रतिया में दुखली है छतिया में, जात पीसे रतिया में दुखली है छतिया में, कबहू न सोखावा से सोवलियों से जहरिया। सुना सात साल ऐसे भैले पढ़ी होशियार भैले, सात साल ऐसे गईले पढ़ी होशियार भैले, अरे करे लागे जब सर करी नौकरिया। सुना पंच लोग अब कहें भागो दूर तोहरे नबा सहूर, अब कहें भागा दूर तोहरे न बासाहूर, लाज लागै तोहके संग चलत बजरिया। सुना पंच लोग हमके अमारत बाटे घर से निसारत बाटे, हमके अमारत बाटे घर से निसारत बाटे, कहें पढ़ लिखी लाऊ दूसरी में हरिया। सुना पंच लोग यहाँ से न जा बयान जई है भले परान, यहाँ से न जा बयान जई है भले परान, अरे लसी आई हमारी निकरी है दुआरिया। सुना पंच तो बोले पंच समुझाई गुण द यही सिखाई, बोले पंच समुझाई गुण द यही सिखाई, अरे मितई तोह के देखावल डगरिया। हमारी पत्नी भी हम गवरकुल रहे वो अपड़ रही। अच्छा तो मितई तोह के देखावल डगरिया। इस तरह ले लीजिए, बहुत नीक बहुत बढ़िया गीत है। हाँ असल में ये लिखा था तो पंचायतों में जहाँ सभा होती थी हम यही पढ़ के सुनाते थे। अच्छा तो सीधे ना कह करके हाँ, हाँ। इसके द्वारा कहते थे तो उसका प्रभाव पड़ता रहा। हाँ तो ये बतावा जाए कि आप जब अवधि गीत लिखें हाँ तो अवधि में कुछ और लिखे का कोशिश की हिन, जैसे गद्य लिखे कहे या और कुछ लिखे कहे? नहीं और तो फिर तो साहित्य के क्षेत्र में चले आए तो उसके बाद तो अवधि में नहीं लिखा, लेकिन अब भी बोल चाल की भाषा या और जो आवश्यकता की बात होती अवधि में हुआ था बोलते हैं करते हैं अवधि में हुआ था। हाँ
अवधि साहित्य के बारे में आपके का राय है? अवधि साहित्य पिछले 1000 साल के बड़ा लंबा साहित्य है, बड़े बड़े कवि भये, तो आपके का राय है, कुछ आपके जो राय हुए वह का जानना चाहिए। अवधि जो है एक ऐसी भाषा है जो स्वाभाविक भाषा है और काफ़ी खास तौर से मध्य हमारा प्रदेश जो है अवधी भाषी क्षेत्र है, और हमारे दोस्त मित्र भी यहाँ जो है यहाँ सभी अवधी भाषी के हैं। तो इसकी खास तौर से एक विधायक हुए थे वहाँ के लखीमपुर कीरी के बड़े भारी अवधी कवि थे वंशीधर शुक्ल। हाँ हाँ वंशीधर शुक्ल, उनके गीत हमें बहुत पसंद आते थे बहुत। विधानसभा में वो लेक्चर ना देकर वो लोग गीत में अपना सुनाते थे, बड़ा प्रभावशाली होता था जी। हमें बड़े अच्छे लगते हैं अवधी के गीत या और साहित्य जो है वो पसंद मुझे है। लेकिन अब मैं चूँकि और जगहों पर फैले भाषा, इसलिए मैं हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी में लिखा लग गया। हाँ अवधि साहित्य में जायसी हैं, तुलसीदास हैं, आपके प्रिय कवि के हैं? कवि का जहाँ तक सवाल है, अवधि कवि प्रिय। हाँ अवधि के तो सबसे लोकप्रिय कवि तुलसीदास वैसे जायसी भी अच्छे, यानी शुरुआती तो जायसी हैं, लेकिन अवधि में तुलसीदास जी नंबर एक हैं। दूसरे भी लोग हैं जैसे कबीर का भी मिला जुला है, मिली जुली भाषा है। अच्छा अवधि भी है और सब मिली जुली भाषा है। तो बहुत से अच्छे अच्छे कवि शायर अवधि के हुए हैं। तो अवधि भाषा की तरक्की होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, मैं ज़रूर चाहता हूँ जी। और तुलसीदास के कौन चीज़ आपका ठीक लागत है, कविता माँ कौन चीज़ है तुलसीदास के जोन आपका अच्छी लागत है? वो तुलसीदास जी के जहाँ तक कवित्व का प्रश्न है उसमें कैर रामचरित मानस तो है ही है, उनकी जो वो कवितावली है जी वो भी हमें ज़्यादा पसंद है, जिसमें उन्होंने यानी कवितावली लिखा है एक में बहुत से चंदों में। और भी लोगों के कवियों की शायरों की आजकल भी बहुत से लोग लिख रहे हैं अवधि में। लेकिन ये बतावा जाए कि तुलसीदास के विचारधारा तो सामंतवादी है, तो आपका पसंद कैसे है? देखे भाषा पसंद है मुझे, लेकिन तुलसीदास के ज़रूरी नहीं कि उनके विचार हमें पसंद हों। अच्छा। उनकी भाषा जो है ऐसी भाषा है कि जो आम आदमी जो है अच्छी तरह समझ सकता है, जान सकता है, एक तरह से जन भाषा है। तो जहाँ तक भाषा का सवाल है तुलसीदास को मैं खूब बहुत अच्छा कवि मानता हूँ, लेकिन उनकी विचारधारा से मैं सहमत नहीं है। अच्छा काहे यस भवा तुल, काहे से कि वही समय कबीरदास देखा जाए तो दूसरे तरह के विचारधारा है। हाँ तुलसीदास के दूसरे तरह के विचारधारा, और दोनों जनता के बीच जाए के कोशिश करती। हाँ तो ये काहे इतना अंतर हो जात है लोगन में? तो ऐसा है देखिए तुलसीदास जी की भाषा जो है ऐसी है कि आम लोग एक तो गे है जी। और दूसरे सरल भाषा है जो अवधि के लिए, तो इसलिए तुलसीदास की भाषा अच्छी है। वैसे जहाँ तक ज्ञान की बात है तो कबीर साहब का जो तर्कपूर्ण बात है वो उनके विचार हमें ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा संत कबीर के। और भी इसी तरह से बहुत से हैं। अब जायसी की ये बात कि किसी ने कह दिया, वो कुरूफ थे जी जी, तो जायसी ने लिखा मोहि हंसस की को हराही जी जी, मोहि हंसस की को हराही, मुझ पर हंस रहे हो कुम्हार जिसने बनाया उस पर हंस रहे हो जी जी। तो अवधि भाषा का अपना एक अच्छा अस्तित्व है और रहना चाहिए जी जी। भाषाएं जो है वो जोड़ती हैं लोगों को, तोड़ती नहीं है, इसलिए अवधि का भी
अस्तित्व रहना चाहिए, आज के युग में जीवित रहना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस समय भोजपुरी लोग ज़बरदस्ती चला रहे हैं, उसको अलग भाषा बनाने कोशिश कर रहे हैं, यानी हिंदी के अलावा अलग साहित्य की मान्यता देने के लिए उनका एक, मैं समझता हूँ कि जैसे हिंदी एक विशाल वट वृक्ष है, सभी भाषाएं जो है उसकी डालियां हैं, तो भोजपुरी भी उसकी एक डाली है। लेकिन अगर भोजपुरी को अलग कर दिया जाएगा तो अलग हो जाएगी, उसे हिंदी का भी नुकसान होगा। भोजपुरी जो बहुत आंदोलन चला रहे हैं लोग, वो मैं उसके बहुत पक्ष में नहीं हूँ। भोजपुरी भाषा ठीक है, लेकिन अलग से राजभाषा में नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ नहीं। जौन भोजपुरी वाले मांग करता है कि 8वीं अनुसूची में जाए, हाँ, तो आप वो क्या समर्थन नहीं कर? मैं उसके समर्थन नहीं कर। अच्छा, हाँ, तो अवधि का अगर मांग की जाए तो यहू का समर्थन ना करी है? नहीं, मैं अवधि को तो चाहता ही हूँ, भोजपुरी को भी चाहता हूँ, लेकिन अलग 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 करने के पक्ष में नहीं। जी। अच्छा, आप ही बतावा जाए कि मध्यकाल में तो बहुत अवधि साहित्य लिखा गवा, हाँ, लेकिन आधुनिक काल में फिर काहे आए के बहुत कम हो जाता है? हाँ, ये सही है। ऐसा काहे है? ऐसा ये है चूंकि अब अवधि एक क्षेत्र विशेष की भाषा है, और हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं तो सारे भारतवर्ष में उसका प्रभाव पड़ता है, विदेशों में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए लोग जो साहित्यकार हैं हिंदी के, वो हिंदी में लिख रहे हैं। अवधि लिखेंगे तो केवल अवधि क्षेत्र के लिए होगी, दूसरे उसका लाभ कम उठा पाएंगे। हाँ, ये बतावा जाए कि अवधि साहित्य में, हाँ, अगर हम दलित चेतना की बात करी, हाँ, कि हम अगर अपने परंपरा में ढूंढा चाहिए कि दलित चेतना कहाँ कहाँ है, तो वो आप कहाँ देखा चाहिए? अब बताया जैसे कि उनके में कबीर साहब के शो में बहुत सी दलित चेतना है, बाद में हुए एक स्वामी अछूतानंद, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, उसमें भी उनकी दलित चेतना है। और दलित चेतना का सवाल जहाँ है, बहुत से साहित्यकारों ने दलित चेतना पर, चाहे ये क्या कहते हैं, निराला हों, या और बहुत से साहित्यकार हैं, बाद में तो इसको गति दिया श्री प्रेमचंद जी ने, और बहुत से साहित्यकार हैं, नरेश जी, और उन्होंने भी, कई लोगों ने लिखा है हमारे पास तो साहित्य में है सब बहुत बड़ा, तो सब दलित चेतना, कुछ जो हमारे प्रगतिशील साहित्यकार हैं आजकल, उसमें भी बहुत सा दलित साहित्य की चेतना है। वंशीधर शुक्ल के यहाँ है? हाँ, वंशीधर शुक्ल के यहाँ, हाँ, वंशीधर शुक्ल को मैं बहुत अच्छा हिंद अवधि का सबसे अच्छा शायर मानता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, उनको जी। तो कुछ मानव है तो हम तुलसीदास से भी बढ़कर इस माने अच्छा, मानते हैं जी। कि हर बात को वो इतनी आसानी से वो अवधि लोकगीतों में लिखते थे कि बड़ा प्रभावशाली होता था। हाँ, और सुनाते थे, और सुनाते थे, क्या कह रहा हूँ कि विधानसभा में केवल गीत में हो उनका भाषण होता था जी जी। हाँ, और बहुत पसंद आता था। तो ये बतावा जाए कि अवधि साहित्य में, हाँ, आप का चाहत हैं कि आगे कौन तरह के रचना हुए, और ओके भविष्य का लेके आप का सोचत हैं? मैं समझता हूँ कि अवधि साहित्य में लिखा जाना चाहिए और लिखते रहना चाहिए, साहित्यकारों को एक अच्छी बात है, और
यद्यपि उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों में नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ तक अवधि का क्षेत्र है या अवधि के लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं भारत में या विश्व में, उसके लिए उनके लिए तो वो उपयोगी है, ये है।